सो है गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आप लोगों ने यूट्यूब शॉर्ट्स पर टीजर नीरज एंड Z1XO भाई का वीडियो तो देख ही होंगे, और उनकी वीडियो में अच्छे से गौर करोगे तो एक वाटर मार्क देखने को मिलेगा जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लगते हैं और ये वीडियो को अट्रैक्टिव भी बनाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी को बनाना सीखने वाले हैं, जो कि बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। आप लोग 2 से 3 मिनट में इसको बना सकते हो। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो में आगे बढ़ते। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए बढ़ते हमारी एडिटिंग की तरफ। ओके, तो सबसे पहले हमको पिक्सार्ट एप्लीकेशन में चले जाना है। तो पिक्सार्ट पे आने के बाद आप लोग एडिट फोटो पर क्लिक करके आप लोगों को PNG वाला बैकग्राउंड ले लेना है। उसके बाद आप लोगों को अपने चैनल का नाम लिखना है, जैसे कि मेरा चैनल का नाम है B4XYT। मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूं। तो इसके लिए हमको एक फ्रंट की भी जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं अपने WhatsApp चैनल पे दे दूंगा, आप लोग इजीली वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस फ्रंट को लगाने के बाद हमारा चैनल का नाम कुछ इस तरह से हो गया है। तो इसको हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूं आप लोग वैसे ही करना, वरना आप लोगों का थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ओके, तो हमारा पिक्सार्ट का काम हो चुका है खत्म। इसके बाद आप लोग को एक और एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा, जिसका नाम है मोशन निंजा। तो आप लोग इसको क्रोम ब्राउजर से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो हमारा मोशन निंजा पे आने के बाद आप लोग न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है, और हमने जो अपने नाम का लोगो बनाया था उसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। उसके बाद फोटो पर क्लिक करके आप लोग को एडिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा स्लाइड करके तो आप लोग एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है कटआउट, उस पर क्लिक करके एनिमे वाला सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर स्लाइड करने के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा इफेक्ट, तो सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आके आप लोग 3 नंबर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसका नाम है सावे। तो उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसमें से आप लोग जो भी पसंद है वो लगा लेना। मुझे ये वाला पसंद है तो मैं ये लगा लेता हूँ। तो उसे लगाने के बाद थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा देना, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आप लोग देख ही सकते हो। और यहाँ पर एक की फ्रेम है, इसे होल्ड करके वीडियो के पूरा लास्ट तक फैला देना है, ठीक है। तो हमारा वाटर मार्क में थोड़ा सा ज्यादा ग्लो आ रहा है, तो इसे हम लोग थोड़ा सा एडिट करेंगे, ठीक है। तो इसे एडिट करने के लिए सबसे पहले हमने जो इफेक्ट लगाया था उस पर क्लिक करना है, और एडिट पर क्लिक करके अपने हिसाब से एडिट कर लेना, ठीक है। ओके, तो हमारा इसका भी काम हो चुका है कम्प्लीट, तो हम इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो एक्सपोर्ट होते होते अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, प्लीज यार कर देना। तो हमारा एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग चलते हैं कैपकट। कैपकट पे आने के बाद आप लोग एक वीडियो सिलेक्ट करना है, ठीक है, जिस वीडियो में आप लोग वाटर मार्क लगाना चाहते हो। उसके बाद आप लोग ओवरले पे क्लिक करके आप लोग वही वाला वीडियो ऐड कर लेना है जो कि हमने मोशन निंजा से एक्सपोर्ट किया था। उसके बाद ओवरले वाले वीडियो पे जैसे ही क्लिक करोगे आप लोग क्लिक वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली उस पर क्लिक कर लेना और आप लोगों को फिल्टर वाला ऑप्शन को चूज कर लेना है। उसके बाद देख सकते हो हमारा वाटर मार्क एकदम तैयार हो चुका है। तो इसको अपने वीडियो के हिसाब से छोटा या बड़ा कर लेना आप लोग। ओके, तो हमारा वीडियो बनके तैयार हो चुका है। तो अगर आप लोग ऐसे ही ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।